हल्द्वानी नर्सिंग अधिकारी के 2600 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं मामले में एसोसिएशन के पद अधिकारियों ने 5 दिन के अंदर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। साथ ही बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बबलू ने कहा कि 12 दिसंबर 2020 को सरकार ने नर्सिंग अधिकारी के 2621 पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन 2 साल बाद भी मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कहा कि 5 दिन के अंदर मामले में नियमावली जारी नहीं की गई तो भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ धरने पे बैठे हुए 5वां दिन है और हमारी एक ही मांग है, जो 12 दिसंबर 2020 दो साल पहले जो नर्सिंग की भर्ती निकली थी वो आज तक लंबित पड़ी हुई है। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार इस भर्ती को, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस भर्ती को करना चाह रही है, क्योंकि सरकार को अगर ये भर्ती करनी होती तो 2 साल से ऐसे इस तरीके से लंबित नहीं पड़ी होती। जिसकी तस की भर्ती पड़ी हुई है, इस भर्ती में जरा सा भी काम नहीं हुआ। क्यों सरकार, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों सरकार इस भर्ती को नहीं कर